दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 में नहीं मिला मौका तो बुरी तरह से टूट गए कप्तान रोहित, हो गया भारतीय क्रिकेट के सबसे सुनहरे दौर का अंत। रोहित शर्मा ने किया T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। तो क्या है ये रोहित शर्मा के चाहने वालों के लिए दिल तोड़ने वाली खबर? क्यों उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया? उनके दिल चीर लेने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन कप्तान? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हर एक भारतीय साल 2022 को क्रिकेट के नजरिए से एक बुरे सपने की तरह भुलाना चाहेगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम को इस साल केवल निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद अब 2023 सफलता की एक नई किरण लेकर आ रहा है, जिसमें भारतीय क्रिकेट नई ऊंचाइयां छूने को बेकरार है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम के 2023 के शुरुआती महीने के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि साल की शुरुआत में ही श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर आ रही है, जहां एशिया चैंपियन से हमें 3 T20 और 3 वनडे मैचों की 2 महत्वपूर्ण सीरीज खेलनी है। लेकिन दोस्तों, इस बीच अहम सीरीज से पहले ही टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, जहां भारतीय टीम की नाकामी से BCCI एक्शन मोड में है और टीम में लगातार बदलाव हो रहे हैं, तो वहीं पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी बर्खास्त हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, 27 दिसंबर की रात BCCI ने करोड़ों भारतीयों को एक करारा झटका दे दिया। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारत की 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान करते हुए कहा कि रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या टीम के नए कैप्टन होंगे। हालांकि ये खबर पहले से ही सोशल मीडिया के गलियारों में तबाही मचा रही थी कि रोहित शर्मा से T20 की कप्तानी छीनी जा सकती है, और BCCI ने इन खबरों पर जल्द ही मुहर लगा दी। केवल इतना ही नहीं, नई टीम से और भी कई बड़े खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है, जिसमें KL राहुल के साथ खुद किंग कोहली और ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। जी हां दोस्तों, अब रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में हमें कभी भी भारत के लिए कप्तानी करते हुए नहीं देखने वाले हैं। केवल इतना ही नहीं, अब तो उनकी टीम में जगह बनाना भी मुश्किल है। ये उनके चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा झटका था, जिसके बाद इन खबरों ने जोर पकड़ा कि रोहित शर्मा T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की उम्र 35 साल हो चुकी है और उनका बल्ला भी उतनी बेहतरीन फॉर्म में नहीं है, जबकि कई युवा खिलाड़ी हैं जो रोहित शर्मा को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे में टीम में जगह न मिलने से निराश रोहित बहुत जल्द संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, तो उसमें किसी को भी हैरान नहीं होना होगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ भारतीय टीम के एक सुनहरे दौर यानी कि हिटमैन के दौर का अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन सा खिलाड़ी भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन कप्तान साबित होगा? कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।